हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है या छाया बनी रहती है तो आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन होती है कोलियस को ग्रो करना। और ये जो होते हैं ना, फूलों को कमियों को भी पूरा करते हैं। जब आपके गार्डन में फूल कम रहते हैं तो ये आपके गार्डन को जो है खूबसूरत बनाए रखते हैं। और इसको ना ग्रो करना भी बहुत आसान होते हैं। ये जो है कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जब कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग्स जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और कटिंग्स जो है ख़राब हो जाते हैं। इसके जो कई कारण होते हैं और जिनमें से मैं आज चार जो है मेजर कारण मैं बताने वाली हूँ जिसके लिए जो है अक्सर जो है कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे, मैं हूँ गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कोलियस एक ऐसा प्लांट होते हैं जो है जो आपका गार्डन में जो जब भी फूलों को कमी जो होते वो कमियों को जो है फूल पूरा करते हैं। कोलियस का प्लांट और काफ़ी सारा जो इसका जो है वैरायटी भी आ जाते हैं, कलर वैरायटी, और मिला जुला के जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कटिंग्स ख़राब होने के क्या क्या वजह होते हैं। तो पहला तो वजह ये होते हैं कि हम लोग जब कटिंग्स जब लगाते हैं तो सही वेदर का चूज़ नहीं करते। कोई भी कटिंग्स लगाने के लिए सही जो है टाइम होते हैं वो होते हैं फरवरी के मंथ और अक्टूबर के मंथ, और उससे भी अच्छा टाइम होते हैं बरसात के सीजन। जब आपका टाउन में जब बरसात होते हो सिटी में, तभी आप जो है इस कटिंग्स को लगाएं, कोई भी कटिंग्स प्लांट्स का कटिंग्स को लगाएं, तभी जो है कटिंग्स ग्रो भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा से जो है सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर जब मन तब अगर कटिंग्स को लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो है कटिंग्स ख़राब हो जाते हैं। दूसरा तो ये जो है कारण होते हैं वो होते हैं सही ब्रांचेस का चुनाव करना। हम लोग जब कटिंग्स जब लगाते हैं तो हम लोग सही ब्रांचेस का चुनाव नहीं करते, जिसके लिए जो है हम लोग का कटिंग्स जो है ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप कोलियस का कटिंग्स लगाए, बहुत ज़्यादा जो है जब आप ब्रांच जब कट करेंगे, स्टीम से भी कट करेंगे, तो वो जो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतले पतले भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत पतले ब्रांचेस भी ना होते हैं ना, उसमें से भी जो है कटिंग्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं होते। आप बोल सकते हैं ग्रो ही नहीं होते हैं वैसा कटिंग, और बहुत मोटे भी नहीं होते। तो आपको जो है मीडियम टाइप का जो है कटिंग्स लेना है, तो मीडियम का टाइप्स का अगर आप कटिंग लेंगे तो वो कटिंग जो है आपका जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो देख सकते हैं, मैं आज दो कटिंग्स ले रही हूँ और ये दो कटिंग्स आप देख सकते हैं बहुत ही मीडियम साइज का है, और इसको जो है ग्रो करूँगी आज मैं। और वो आज देखेंगे आप, देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, दो मैंने जो है कटिंग्स ले लिए हैं, देखिए छोटी छोटी दो कटिंग्स लिए हैं, और इस टाइप का जो है कटिंग्स जो है काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। और फिर दूसरा कारण ये होती है कटिंग्स ग्रो ना होने का कि सही सॉइल मीडिया को ना बनाना। तो फ्रेंड्स, सही सॉइल मीडिया ये होते हैं कटिंग्स को लगाने के लिए। आप 50% सैंड ले लीजिए और 50% जो है कोई भी मिट्टी गार्डन सॉइल ले लीजिए। तो इस टाइप का जो है सॉइल मिक्सर से जो है कटिंग्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। आप जब भी कटिंग्स लगाएं तो आप मिट्टी को देखेंगे, मिट्टी में बिल्कुल भी जो है गिट्टी वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो कटिंग्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। मिट्टी बहुत जो है मुलायम होनी चाहिए ताकि आपका जो है छोटे छोटे जो है कटिंग्स जो है बहुत आसानी से ग्रो हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो इसको ग्रो करूँगी, और मैं जिस सिस्टम से जो है ग्रो करती हूँ वो होते हैं, जो मैं ऐसे तो सॉइल मिक्सर ले लेती हूँ, लेकिन मैं जब भी कटिंग्स लगाती हूँ तो उस पर जब भी कटिंग्स लगाने के टाइम जो है मैं थोड़ा बहुत और जो है सैंड का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जो है कटिंग्स जो ग्रो होने में बिल्कुल भी जो है मतलब दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, जब भी आप कटिंग्स को लगाएं तो ध्यान रखें कटिंग्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रेस करके जो है कटिंग्स को ना लगाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाएं, ताकि जो है कटिंग्स को जो है नीचे वाली जो है स्टेम्स में जो है ज़्यादा प्रेस ना पड़े, ये चीज़ का जो है ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, कटिंग्स जो है ख़राब होने का और एक जो है का जो कारण होते हैं चौथा, तो वो होते हैं जो हम लोग जो कटिंग्स तो लगा देते हैं और लगाने के बाद जो है क्या करते हैं, वाटर दे देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग धूप में छोड़ देते हैं। ये तो बहुत जो है मेन एक जो है कारण होते हैं,
कि कटिंग्स लगाने के बाद कटिंग्स को आप तुरंत जो है धूप में ना छोड़ें, कम से कम 2 दिन तक जो है, 2 से 3 दिन तक आप इसको शेडी एरिया में रखें, तभी जो है कटिंग्स बहुत अच्छा से ग्रो होंगे। और फ्रेंड्स, कटिंग्स जो है लगने के बाद जो है तो बहुत अच्छे से तो वाटरिंग कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखेंगे बहुत जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करना है। आप सोचेंगे कि हम सारी प्लांट्स को तो है वाटरिंग कर ही रहे हैं और इस प्लांट्स को भी कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप मिट्टी को चेक करके ही वाटरिंग करें, और ज़्यादा वाटरिंग से छोटे छोटे कटिंग्स से जो रूट्स जो है ख़राब हो जाते हैं। और कटिंग्स लगने के बाद आप जब भी वाटरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर को जो है प्रेस करते हुए वाटरिंग ना करें, बिल्कुल हल्के हल्के से जो है धीरे धीरे आप वाटरिंग करेंगे। कटिंग्स मेरा लग चुके हैं और अभी मैं इस पर वाटरिंग करूंगी, धीरे से वाटरिंग करूंगी ताकि मेरा कटिंग्स हिल ना जाए, और कटिंग्स अगर हिल जाते हैं तो भी कटिंग्स जो है ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलिएगा।